अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और नहायत इजी मेथड के साथ आइस का मेकअप करना सिखाऊंगी, पार्टी मेकअप। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने अपनी आइस को कैसे चेक करना है। इस तरह ब्रश रख के हमने चेक कर लेना है कि हमारे आईब्रो से बाहर नहीं जानी चाहिए हमारी आइस की जो क्रीज। इस तरह हमें आइस की क्रीज बनाने से पता चल जाता है कि हमें अपनी आइस करनी है। मैंने ये ब्राउन कलर लिया है, लाइट ब्राउन कलर लेके उसकी मैंने हर क्रीज रेडी कर ली है। ये देखिए आपके सामने मैंने पहले थोड़ा सा कलर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कलर लिया है और अपनी जो क्रीज़ है इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद मैंने फिर ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, ब्रश के साथ अच्छी तरह से अपनी आईज़ की जो क्रीज़ है उसको ब्लेंड कर लेना है ताकि हश जो हैश लाइन्स हैं वो नज़र ना आए। कोई भी लाइन हमें आईज़ के ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए। ये देखिए आप लोगों के सामने है कि मैंने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद मैंने लाइट सा ब्राउन कलर लेके और साथ उसके मैंने पिंक कलर मिक्स करके तो उसकी ब्लेंडिंग आइज़ के नीचे कर दी है। इस तरह से जब हम अपने फेस के ऊपर बेस बना लेते हैं तो हमें अपने फीचर्स को इन्हेंस करना पड़ता है। इसके बाद हम थोड़ा सा गोल्डन कलर लेंगे और कलर लेके उसको अच्छी तरह से अप्लाई करते जाएंगे। फ़ौरन ही हमने ज़्यादा कलर नहीं ले लेना है, ज़्यादा कलर लेंगे तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी और शेप भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरह से पहले मैंने थोड़ा थोड़ा कलर लिया और इसको साथ साथ ब्लेंड करती जा रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद अगर आपको नज़र आए कि थोड़ा कुछ कमी रह गई है तो आप उसको फिंगर के साथ भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकती हैं। मैंने सिर्फ एक कलर ही यूज़ किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके और ये बहुत ही ईजी पार्टी मेकअप है। मैंने जो फिंगर के साथ इसकी ब्लेंडिंग की है, इसके बाद मैंने ब्रश के साथ इसको सेट कर दिया है। ये देखिए आपके सामने है। अब मैं इसके ऊपर काजल लगाऊंगी। काजल इस तरह लगाएंगे हम कि हमने जो आउटर कॉर्नर है उसके ऊपर थोड़ा सा विंग बनाना है, बस छोटा सा ही विंग बनाना है क्योंकि हमने लाइट सी आइज़ तैयार की हैं, ज़्यादा हैवी आइज़ तैयार नहीं की। इस तरह से आप लोगों को पता है कि जब हम काजल लगाते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रोक लगाएं उसके बाद इनकी फिलिंग कर दें तो काजल नहायत ही इसी मेथड के साथ आपकी आंखों पर अप्लाई हो सकता है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने अप्लाई किया है। अब मैंने दूसरी आइज़ के ऊपर भी अच्छी तरह से इसकी फिलिंग कर दी है और अपना काजल मुकम्मल तौर पर रेडी कर लिया है। इसके बाद मैंने आई लैशेज लगाई हैं और नीचे मैंने थोड़ा सा वाइट काजल लगाया है ताकि आँखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी नज़र आए। और ये है फाइनल लुक। अब देख सकते हैं आप, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी फ़ाइनल लुक कैसी लगी है। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।